तो नोट कर लीजिए, सबसे पहला कमांड हम करेंगे फिलेट। हमने 2D में भी फिलेट किया था, ऐसे यहाँ पे भी फिलेट है, हम F एंटर करेंगे। ब्रैकेट में ऑप्शंस आ रही हैं, सबसे इसमें हम सिर्फ रेडियस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। मैंने R एंटर किया, ये आपसे रेडियस पूछेगा, मैंने एक रेडियस की वैल्यू दी एंटर। सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जब हम 2D में फिलेट करते थे तो हमें दो एजेस सेलेक्ट करनी पड़ती थी, यहाँ पर हम सिर्फ एक एज सेलेक्ट करेंगे। मैंने एज सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट हो गया। अगेन ये आपसे रेडियस कंफर्म करेगा, अगर आपको सेम चाहिए तो आप एंटर कर दीजिए, आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने एंटर किया, सेलेक्ट एन एज, एज में ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही चुकी हूँ, मैंने एंटर किया तो इसके ऊपर फिलेट अप्लाई हो जाता है। तो फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट करो और एंटर कर दो, चेंज नहीं करना तो, और वापस एंटर करो तो फिलेट अप्लाई हो जाता है। फिर से फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट किया, एंटर। यहाँ पर एक चेन ऑप्शन भी आती है, चेन की हेल्प से हम एक ही बार में मल्टीपल एजेस के ऊपर सेम फिलेट रेडियस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने 0.5 दिया तो 0.5 सभी एजेस के ऊपर अप्लाई हो गया। और अगर आपने अलग अलग रेडियस करना है तो आपने रेडियस दिया, एज सेलेक्ट किया, एंटर, रेडियस ऑप्शन लिया, कोई दूसरा रेडियस दिया और दूसरी एज पिक करी तो इस पर 0.5 और इस पर 0.3 अप्लाई। सेम नहीं, कितने भी कर सकते हो इसमें भी, रेडियस कितनी भी है, वापस रेडियस ऑप्शन लेके और रेडियस भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट किया, एंटर, रेडियस लेके फिर कोई दूसरा रेडियस दिया और दूसरी एज पिक करी, फिर से रेडियस लेके कोई दूसरा रेडियस दे के, तो सब पे अलग अलग अप्लाई होगा। फिर से फिलेट लिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट किया, एंटर। यहाँ पर एक लूप ऑप्शन भी आती है, लूप के लिए हम एल एंटर करेंगे। एज तो यहाँ पे भी आपको एक ही सेलेक्ट करनी है, बट इस केस में क्या होता है, जैसे हम एज सेलेक्ट करते हैं ना तो पूरा फेस सेलेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट या एक्सेप्ट, मतलब अगर आपको लगता है कि जो फेस आपने पिक किया है वो ठीक है तब तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो, बट अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो ये इन दोनों फेसेस के बीच में टॉगल करेगा। और अगर आपको लगता है कि जो एज आपने, जो फेस आपने ठीक किया वो ओके है, तो आप एक्सेप्ट कर लो, एंटर करो तो पूरे फेस के ऊपर। तो ये ऑप्शन है इसमें फिलेट की। अब सपोज मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, मुझे ये बोला जाए कि इसकी ये वाली जो एज है ना इस पे आपने फिलेट करना है ऐसे बाहर की तरफ। मैंने फिलेट दिया, रेडियस की एक वैल्यू दी, एज सेलेक्ट किया तो अंदर की तरफ राउंड जा रहा है, बट मुझे तो बाहर की तरफ चाहिए, तो ऐसे में पहले आपको इन दोनों को यूनियन करना पड़ेगा। अब जब हम फिलेट रेडियस देंगे और एज सेलेक्ट करेंगे तो ये बाहर की तरफ राउंड आ जाएगा। तो ये कमांड है फिलेट। नेक्स्ट नोट करिए चैम्फर, चैम्फर के लिए शॉर्टकट है CHA, इससे आप टेपर कॉर्नर बना सकते हो। 2D में भी किया था चैम्फर, ऐसे यहाँ पे भी है CHA, एंटर। यहाँ पे भी हम सिर्फ डिस्टेंस का यूज करेंगे, मैंने D एंटर किया, दो डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2, आप सेम भी दे सकते हो अलग अलग भी दे सकते हो। फिर एज सेलेक्ट करी, पूरा फेस सेलेक्ट हो गया। अगेन नेक्स्ट करेंगे तो टॉगल करेगा, ओके करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, फिर से D1 D2 कन्फर्म करेगा, सेम चाहिए तो एंटर कर दीजिए, चेंज भी कर सकते हैं। मैंने एंटर किया, एंटर, सेलेक्ट एन एज, अगर तो मैं सिंपली एज सेलेक्ट करती हूँ तब तो ये सिर्फ उस एज पे करेगा, बट अगर मैं लूप लेके करूंगी तो पूरे फेस पे कर देगा। लूप लिया, पूरे फेस पे हो जाए। तो ये कमांड है चैम्फर। नेक्स्ट ऑप्शन नोट करिए 3D मिरर। हमने 2D में भी मिरर किया था, ऐसे यहाँ पे भी मिरर है। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सेम वही हैं जो ऑलरेडी हम स्लाइस सेक्शन में कर चुके हैं। तो लाइक सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मुझे इसका मिरर करना है, तो ऑप्शन ले लेंगे यहाँ से 3D मिरर, या फिर इसके लिए हम 3D MI करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर,
ब्रैकेट में ऑप्शंस आ रही हैं, तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे थ्री पॉइंट ऑप्शन। जैसे हमने स्लाइस में तीन पॉइंट्स पिक किए थे, ऐसे यहाँ पे भी तीन पॉइंट्स पिक करेंगे। वन टू, दो पॉइंट्स एक सिंगल एक्सिस पे होंगे जैसे ये दोनों वाई के पैरेलल हैं, और तीसरा अदर एक्सिस पे होगा जैसे ये जेड के पैरेलल। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो। इधर की तरफ मिरर, फिर से मैंने लिया, सेलेक्ट किया थ्री पॉइंट्स। पहला मैंने इसका मिड लिया, दूसरा मैंने इसका मिड लिया, ये दोनों हैं एक्स के पैरेलल, और तीसरा मैंने ले लिया इसका मिड, ये है जेड के पैरेलल। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो। इधर मिरर हो गया। फिर से मैंने लिया, इन चारों को सेलेक्ट किया थ्री पॉइंट्स, अगेन पहला मैंने इसका मिड लिया, दूसरा मैंने इसका मिड लिया, ये दोनों है वाई के पैरेलल, और तीसरा मैंने ले लिया इसका मिड, ये है एक्स के पैरेलल। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो। तो ये नीचे, फिर इसमें आप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिया, इसको सेलेक्ट किया एंटर, पहले मैंने लिए थे ये दो पॉइंट्स, ये था वाई और ये था जेड, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक वाई जेड ऑप्शन है। वाई जेड के लिए एक मैंने इसका मिड लिया था, एक मैंने इसका मिड लिया था, और एक मैंने इसका मिड लिया था। अब इन तीनों में से कहीं पे भी एक मिड लेंगे। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो। इधर की तरफ मिरर, फिर से हमने लिया, फिर मैंने लिए थे ये दो पॉइंट्स, ये था एक्स और ये था जेड, तो जेड एक्स ऑप्शन है। जेड एक्स के अलॉन्ग एक पॉइंट पिक किया, जेड एक्स के लिए एक मैंने इसका मिड लिया था, एक्स का मिड लिया था, और एक इसका मिड लिया था। अब कहीं पे भी एक मिड पिक करेंगे तो ये ऐसे। फिर से हमने लिया, इनको सेलेक्ट किया, फिर मैंने लिए थे ये दो पॉइंट्स, ये था वाई और ये था एक्स, तो अब यहाँ पे एक एक्स वाई ऑप्शन है। अगेन एक्स वाई के अलॉन्ग एक पॉइंट पिक किया तो ये नीचे। फिर इसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शन आती है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट को एक मिरर मान के चलते हैं। मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, इस सर्कल को एक मिरर मानेंगे। अब सर्कल जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अब क्या है, जैसे शीशा है, शीशा सपोज ज़मीन पे है तो हमारी इमेज नीचे की तरफ बनेगी, और अगर वॉल पे होगा तो लेफ्ट या राइट में बनेगी। तो यहाँ पे भी एक तरीके से फ्लोर पे है ये शीशा। अब हमने लिया स्लाइस, ये सॉरी 3D मिरर, इसको सेलेक्ट किया एंटर, ऑब्जेक्ट ऑप्शन ले लो और इनमें से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट नो। तो देखो जितनी दूरी पे इसको साइड फेस में देखते हैं, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था और ये मिरर था, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट था मिरर से, उतनी दूरी पे नीचे की तरफ इसकी इमेज भी क्रिएट हो जाए। तो ये ऑप्शन है इसमें 3D मिरर। नेक्स्ट नोट करिए 3D रोटेट।